नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। सभी बच्चे पूछ रहे थे कि सर एक बार वार्डन के बारे में आप बता दें कि इसकी सैलरी क्या रहेगी, प्रोविजन पीरियड क्या है, क्या ये अस्थाई है या अस्थाई है, परमानेंट है या टेम्प्रोरी है। इन सभी बातों के जवाब मैं आपको दूंगा कि आप पूछ रहे थे कि क्या इसको आवास मिलता है कि नहीं मिलता है, 24 आवर की जॉब है या कुछ लिमिट है जॉब में, प्रमोशंस क्या हैं, इन हैंड सैलरी क्या रहेगी आपकी। इन सभी सवालों के जवाब मैं आज आप लोगों को दूंगा कि आखिर आप वार्डन बनने के बाद आपको क्या क्या करना होगा और कितना उसके बदले में आपको वेतन दिया जाएगा। तो जो बच्चे एमआरएस में वार्डन की तैयारी कर रहे हैं वो परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करके कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसका कोर्स चलाया जा रहा है, ऑलमोस्ट आपके 15 दिन आपके हो चुके हैं, तो आप क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ईएमआरएस के जो बैचेस हैं हमारे यहाँ चल रहे हैं, आप तीनों बैचेस 1600 में ले सकते हैं, वार्डन, लैब अटेंडेंट और जेएसए का। वार्डन आपका 700 में है, लैब अटेंडेंट भी 700 में है, बाकी आपका जेएसए भी है 700 में, टीजीटी जो है आपका 1000 में है। तो ईएमआरएस के जितनी भी बैचेस आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लास और नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली क्या है कि जो आपके हॉस्टल वार्डन है इनका जो अगर हम बात करें इसकी अहर्ता क्या है, अगर बात किया जाए कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो सिंपल ग्रेजुएट इंसान इस फॉर्म को कोई भी परसेंटेज की क्राइटेरिया, कई बच्चे मुझे फोन करके पूछ रहे परसेंटेज है क्या, नहीं, आप बस ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन में बीटेक बीसीए सब कुछ चलता है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बस यही इसकी अहर्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, रही बात की अब आपको इसमें ग्रुप सी के पोस्ट पर आप जाते हो, ठीक है, ग्रुप सी का पोस्ट है, ठीक ठाक पोस्ट है। आपका जो पे स्केल है वो 29,200 से लेकर 92,300, मतलब बेसिक आपका यहां से स्टार्ट होगा, इसमें इंक्रीमेंट आपका लगेगा, ऑलमोस्ट इंक्रीमेंट जो होता है आपका 3% 4% जो भी सालाना आपका इंक्रीमेंट लगता है, फिर यहां से यहां तक आपका बेसिक बढ़ता है इंक्रीमेंट अलग अलग। अब इंक्रीमेंट पे आपके क्या क्या लगते हैं वो देख लेते हैं। जैसे हम बात करें बेसिक सैलरी 29,200 आपकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी जो डीए चल रहा है महंगाई भत्ता वो आपका 42% है, तो डियरनेस अलाउंस जो होगा इस 29,200 का 12,264 आपका वो होगा। अगर हम बात करें जैसे एचआरए, अगर आपको रेसिडेंट नहीं मिलता है, ठीक है, रहने के लिए हो आपको नहीं मिलता है, तो आपको मिनिमम का 4,000 से 5,000 इतना मान के चलिए कि आपको अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है, एचआरए का। अगर आपको मिलता है तो अभी और अलाउंसेस हमने नहीं जोड़े हैं, मैंने बस इसको जोड़ा है, इसको जोड़ा है, बाकी और कई अलाउंसेस होते हैं, मेडिकल्स की फैसिलिटी भी दी जाती है, तो वो सब चीजें आपकी कुल मिला के अलाउंस जोड़ने के बाद अगर हम बात करें तो 46 से 47 के अप्रोक्स आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है, सब कुछ जोड़ने के बाद। अगर क्योंकि देखिए क्या होना, कुछ हमारे सभी तैयार नहीं हुए हैं, तो हो सकता है आपको रहने के लिए ना दें, आप कहीं आउटर साइड रहें, मतलब आपको उसका भुगतान कर दिया जाए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस जो पुराने हो चुके हैं उनमें तो आपको मिलेगा, तो उसके अलावा और भी आपको भत्ते मिलेंगे जो मैंने नहीं जोड़े हैं, 4-5 हजार एक्स्ट्रा मान के चलो कि आपको एक्स्ट्रा भत्ते मिलेंगे। तो अभी उन सब चीजों को छोड़ने के बाद भी हमारा 46,464 बन रहा था, 46,464 बन रहा है। अगर इसमें डिडक्ट भी होगा, डिडक्शन के बाद, मतलब ओवरऑल इन हैंड सैलरी आपको अगर हम बात करें तो इन हैंड सैलरी आपको 42,000 के अप्रोक्स में मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, 42 के आसपास में मिलेगी इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी वार्डन की, तो अच्छी खासी सैलरी है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, रही बात कि जो ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका, कि सर वो बच्चे बोल रहे हैं सर लिखा हुआ है कि प्रोविजन पीरियड 2 साल का है, इसका मतलब टेम्पोररी नहीं, आपका वेतन मान जो भी है वो सब सेंट्रल का लग रहा है ग्रुप सी का, तो प्रोविजन पीरियड मतलब इन द सेंस इस पीरियड में आपको हर जॉब में होता है,
दो साल का प्रोविजन पीरियड है, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो साबित हो जाता है इन दरमियान बीच में, तो आप पे या कोई आप ऐसी जो है एक तरह से बोला जाए आप असंतोषजनक कोई कार्य करते हैं हॉस्टल वार्डन बनने के बाद, ठीक है, आपसे नाखुश होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो कहीं ना कहीं आप पे इस समय में आपको सीधे सीधे जॉब से निकाला जा सकता है, सस्पेंड नहीं सीधे आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। बाकी दो साल कंप्लीट होने के बाद जल्दी टर्मिनेशन नहीं होता है किसी का, लेकिन इस दो साल में कि टर्मिनेशन का जो प्रावधान है कि आपको सीधे टर्मिनेट कर दिया जाए जॉब से, वो कि अगर कुछ भी आपने ऐसा गलत किया तो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया, मतलब कुछ गलत भी नहीं करोगे तभी भी निकाल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उसके लिए ये बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें कि वर्किंग क्या है, पूरे हॉस्टल का एडमिनिस्ट्रेशन आप पर डिपेंड होता है, हॉस्टल में जितने भी आप लोग ये एडमिनिस्ट्रेशन एप्टीट्यूड जो पढ़ रहे हो, तो सर ने जितना भी आपको कार्य बताया, जितना आपका सिलेबस है वही आपका कार्य है, मतलब हॉस्टल में बच्चों के रूम अलॉटमेंट देखना, ठीक है, बच्चों में जो एक तरह से उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, लड़ाई झगड़ा ना हो, इन सब चीजों का ख्याल रखना, बच्चों के एक तरह से बोला जाए कि उनकी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होना, हेल्थ के बारे में ध्यान रखना, इसीलिए बीच बीच में हॉस्टल में डॉक्टर की विजिट होती रहती है, ठीक है, आप डॉक्टर भी शाम के टाइम में मैक्सिमम हॉस्टल में जाओगे तो शाम के टाइम में आपके एक डॉक्टर आके वहां पर बैठता है कुछ एक दो घंटे के लिए, या पर्टिकुलर कुछ कुछ हॉस्टल में पर्टिकुलर डे बना दिया जाता है, उस डे वो डॉक्टर आता है, और मैक्सिमम हॉस्टल में तो पर डे बेसिस पर होता है कि आपको एक डॉक्टर है उनसे आप कंसर्न करोगे, तो ये सब चीजें आप वार्डन के थ्रू जाके कि अगर तबीयत खराब हुआ है तो वार्डन के थ्रू आप जाके क्या कर सकते हो, डॉक्टर से भी कंसर्न कर सकते हो, तो ये सब चीजें होती हैं, ये सब आपको कौन कराएगा, आप कराओगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर दूसरी बात में बात करूं, आप अकेले नहीं रहोगे, बच्चे पूछते सर क्या हमें रात भर हॉस्टल में रुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं, आपके सहायक रहेंगे, वार्डन आप हो ना तो आपके सहायक रहेंगे जो आपके हॉस्टल में रहते हैं, और किसी कारण आपका जो जॉब होगा एक तरह से बोला जाए कि 8 या 10 घंटे की जो जो भी जॉब पीरियड होगी वही रहेगा एक, लेकिन लेकिन जो आपके सहायक रहेंगे वो हॉस्टल में मौजूद रहेंगे, कोई भी ऐसा इमरजेंसी पड़ता है तब जाके आपको कहीं ना कहीं कॉल किया जाएगा, तब आपको बुलाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी आपके सहायक की जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है। रही बात स्टूडेंट सुपरविजन की, मैंने बताया मेस मैनेजमेंट की बात करें कि जो आपके बच्चों के खाने का व्यवस्था है, ठीक है, मेस मैनेजमेंट है, जो भी आपका कैटरिंग वाला पार्ट है वहां पे बच्चों को क्या खाना दिया जा रहा है, पौष्टिक है खाना कि नहीं है, ठीक है, खाना का क्वालिटी क्या है, जो भी चीजें बन रही हैं उसकी क्वालिटी क्या है, कैसे बनाई जा रही, हाइजेनिक है कि नहीं है, बच्चों को खा के तबीयत खराब तो नहीं हो जा रहा है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना, इन सभी का रिपोर्ट बनाना, और इसके मैनेजमेंट इन द सेंस क्या आया, कितने जो भी आपके एक तरह से बोला जाए मेस में जो भी लगेगा बच्चों को खाना बनाने में, जो इक्विपमेंट हो गया होता है तो उसका भी हिसाब किताब, जो राशन वोशन होता है उसका भी हिसाब किताब, सब इन्हीं को देखना होता है, ठीक है। बाकी पेरेंट्स कम्युनिकेशन, कोई बच्चा कुछ भी ऐसा होता है, किसी के साथ कोई दिक्कत होती है, ट्रेजेडी होती है, तो वार्डन ही बच्चों के पेरेंट्स से कम्युनिकेट करेगा, उनको बुलाएगा, जो भी चीजें होंगी वो आपके पेरेंट्स कम्युनिकेशन। सिक्योरिटी की बात मैंने कर दिया कि हाँ बच्चा जैसे साइन होता है हॉस्टलों में, कौन सा बच्चा निकल के जा रहा है, कितनी बजे निकल के गया, कब आया, वो पूरा अटेंडेंस रिकॉर्ड आपका बनाया जाता है, कब कौन आया, आपसे मिलने भी कोई आया तो वो भी साइन करके आता है कि फला रूम नंबर में हम इनसे मिलने, मतलब जो भी हो आपका मार्क साइन इन करके जाता है, तो वहां पे जब देखा जाता है पूरा रिकॉर्ड करे, अच्छी बच्चा गायब है क्या हॉस्टल से, तो ये चीजें। फिर शाम को उसके असिस्टेंट वार्डन के पूरे रूम को चेक करते हैं, अटेंडेंस लगाने जाते हैं कि अच्छा रूम नंबर इतने में 4 लड़के हैं, फला 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 प्रेजेंट हो कि नहीं हो, ठीक है, उस समय भी डाटा आपका मैच नहीं किया तो फिर कूटे जाओगे, इतना जान लोगे जो बच्चे, मतलब आप लोग नहीं, आप लोग कूटोगे बच्चों को, सुनाओगे, ठीक है, आप लोग क्यों कूटो, आप तो उसी पोस्ट पे जा रहे हो, आप बच्चों को ऐसा बोलोगे कि हाँ
ऐसा कहां गायब हो गए? इमरजेंसी मैनेजमेंट की मैंने बात किया कि अगर कोई दिक्कत हो जाती रात बिरात बच्चों के साथ, मान लो किसी को बुखार हो गया, पेट में दर्द हो गया, कुछ भी हो गया, तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको मौजूद रहना है, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिए। अब रही बात, मैंने आपको सैलरी में ही बता दिया कि रहने का हो सकता है कुछ एमआरएस में दिया जाए, कुछ में आपको उसका अलाउंसेस दिया जाएगा, ठीक है? प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन देखो एक्चुअली क्या है कि एक ऐसा पोस्ट है इसमें आपका जो है ग्रेड पे बढ़ता रहेगा। प्रमोशन में आप वार्डन से सीनियर वार्डन बन जाओगे, फिर सीनियर वार्डन के बाद कुछ समय के बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में चले जाते हो, जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होता है, जहां एलडीसी यूडीसी काम करते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क अपर डिवीजन क्लर्क, वैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में चले जाते हो। तो ठीक है, बेसिकली वार्डन से आपका जो प्रमोशन होगा ना वो आपका सीनियर वार्डन में होगा, ठीक है? आपका पेमेंट बढ़ेगा, ग्रेड पे बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, ठीक। इसके बाद आप सीधे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जो स्कूल का होता है, चाहे हर जगह आप देखोगे यूनिवर्सिटियों का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, उसमें आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो ये ओवरऑल एक वार्डन के सिनेरियो का, बाकी आप एडमिनिस्ट्रेशन एप्टीट्यूड जब सर पढ़ा रहे हैं तो आपको पूरा बता रहे हैं कि कैसे लाइफ जिया जाता है वार्डन वाली, बच्चों के साथ आपका कम्युनिकेशन बिहेवियर, ये सब कुछ आपका मायने रखता है, ये ध्यान रखिएगा। तो पूरा का पूरा आपको बच्चों को, बच्चों से रिलेटेड ही कोऑर्डिनेट करना रहता है, बच्चों के ही बारे में पूरा सोचना रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका वर्क होता है, सैलरी भी अच्छी खासी है, और काफी समय के बाद, क्योंकि सब में वार्डन की वैकेंसी नहीं आती है, मैक्सिमम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे स्कूल्स हैं, तो यूनिवर्सिटियों में तो प्राइवेटली हायर कर लिए जाते हैं इन द सेंस, लेकिन यहां पर देखिए कि गवर्नमेंट ने इसमें हायरिंग स्टार्ट की है। और ये ध्यान रखिएगा कि बहुत दिनों बाद इसमें, और ये फर्स्ट टाइम है ये एमआरएस का, तो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़िए, मेहनत करिए जोर लगा के कि इस बार इस भर्ती में आप सभी सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है? तो कोई दिक्कत कोई समस्या अगर आपको है, कुछ भी और पूछना है, कुछ और जानना है आपको इसके बारे में, तो आप कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से, वहां से आप वार्डन के कोर्स से जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इन नंबर पे कॉल करके आप अपनी समस्या हमें बता सकते हैं, डेमो वेमो जो भी देखना है आप वहां से ऐप से ही डेमो भी देख सकते हैं। तो इन नंबर पे कॉल करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का क्या हो समाधान किया जाए। ये नंबर आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।